हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में SBI के फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस उसमें करना होगा, कैसे आप उसमें यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और कैसे प्रोफाइल पासवर्ड आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी आप अपना इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करते हैं, मतलब उसको किसी भी ब्राउजर में या कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं, तो आपको कौन कौन से सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग SBI में फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन की जाती है तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहां पर इमेज है, इस इमेज में जैसी माउस लेके आते हैं तो यहां पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटर्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूजर नेम आप कैसे इसमें क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं और प्रोफाइल पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड में क्या 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 डिफरेंस होता है और इन दोनों का यूज किस चीज के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग अपने अकाउंट में SBI अकाउंट में एक्टिवेट करवा ली है तो आपको एक किट मिली होगी। अगर आपने नहीं करवाई है तो ये देखिए किट ऐसी होती है, एक आपको लिफाफा मिला होगा, लिफाफे के अंदर आपके पास एक कागज होगा जिसमें आपका एक इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम होगा और यहाँ पर होगा उसका इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड हमको इसकी जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ इसके बाद एक जो लिफाफे के बाहर से लिखा होगा यहाँ पर आपका किट नंबर लिखा होगा और यहाँ पर पैकेट नंबर लिखा होगा, ये इस इंफॉर्मेशन की जानकारी हमें चाहिए। हमें किट नंबर की जरूरत पड़ेगी, यूजर नेम की जरूरत पड़ेगी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जैसे यहाँ पर इसमें दिखा रखा है इन्होंने कि यहाँ पर देखिए onlinesbi.com आपने खोलना है लॉगिन करने के लिए। तो आपने क्या करना है, onlinesbi.com अपने उसमें खोल लेना है। तो जैसे आप onlinesbi.com खोल लेते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले https होना चाहिए। एस का मतलब होता है, जो यहाँ पर एस है इसका मतलब होता है सिक्योर, मतलब SSL लेयर इन्होंने ले रखी है। इसका मतलब जो भी आप इसमें इस वेबसाइट में जो भी आपका डेटा ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा, जिससे आपका कोई थर्ड पार्टी बीच में अटैक नहीं कर पाएगा और आपका जितना भी डेटा का ट्रांसफर होगा वो सिक्योर होगा। ठीक है, इनक्रिप्टेड होगा। और दूसरा यहाँ पर देखिए, आपके उसमें यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर लॉक बना हुआ आना चाहिए। और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो सिक्योर है, सिक्योर कनेक्शन। ठीक है, और इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र जो भी इसका सर्टिफिकेट है ये यहाँ पर से, और आप मोर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो इसके बारे में ये और भी जानकारी यहाँ पर दे देगा। तो https होना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर इसने सिक्योरिटी के बारे में बता दिया है कि ये देखिए यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आपने एक तो https देखना है, दूसरा यहाँ पर ये ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्पेलिंग जो है वो स्पेलिंग चेक कर लीजिए एक बार कि onlinesbi.com ही है, कहीं पर ऑनलाइन में ई नहीं है तो वो क्या होती है, फिशिंग एक्टिविटीज होती हैं, उससे आपने बचना है। ये स्पेलिंग पूरी की पूरी चेक कर लीजिए। तो जैसे ये वेबसाइट आप खोल लेते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, अभी यहाँ पर जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल बैंकिंग में, जो हमारा अकाउंट होगा वो पर्सनल बैंकिंग का होगा, और अगर आपका कॉर्पोरेट है तो यहाँ पर से आप कॉर्पोरेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो अभी इंटरफेस है ये ऐसा है कि इसने यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं और यहाँ पर हो सकता है, इधर हो सकता है, या नीचे वेबसाइट में कहीं पर लॉगिन का ऑप्शन होता है। तो आपने क्या करना है, पर्सनल बैंकिंग में जाना है और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करना है। तो जैसे लॉगिन में क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये आपसे यहाँ पर नीचे देखिए आपको बता रहा है कि आपने की सिक्योरिटी के लिए आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये फिशिंग से संबंधित भी आपको बता रहा है, तो आप इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन में क्लिक करना है। तो जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम ये आपसे पूछ रहा है और ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो यूजर नेम आपने कहाँ से देना है, जो आपको किट मिली हुई है, इस किट में देखिए यहाँ पर ये यूजर नेम है, इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम, और यहाँ पर ये पासवर्ड है। तो आपने ये दोनों चीजें कहाँ डालनी है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है।
ठीक है, हम वेबसाइट में आते हैं और यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल देते हैं। और ध्यान रहे कि ये जो है यूजर नेम और पासवर्ड जो है केस सेंसिटिव है। कहने का मतलब ये है कि जैसा किट में लिखा हुआ है वैसा ही आपने डालना है। अगर उसमें स्मॉल लेटर में लिखा है तो आपने स्मॉल लेटर में ही डालना है, कैपिटल में नहीं डालना है। तो मैं यहाँ पर इसमें यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड जो है यहाँ पर डाल देते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर से आपसे बोल रहा है कि आपने जो है अपना जो यूजर नेम है उसको क्रिएट करना है। और ध्यान रहे यहाँ पर कि जो भी आप यूजर नेम क्रिएट करेंगे ये फिर आपका कभी बाद में चेंज नहीं होगा, तो आप इसलिए इसको अच्छे से जो है क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो यूजर नेम है वो क्या कर सकता है, केस सेंसिटिव है, जैसा आप यहाँ पर लिखेंगे वैसा ही आप इसको बाद में जब भी आप लॉगिन करेंगे वैसा ही आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसमें यूजर नेम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी आपके उसमें किट नंबर है आपने वो किट नंबर यहाँ पर डालना है। जो यहाँ पर देखिए किट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कहाँ पर से डालना है। ये देखिए यहाँ पर जो भी आपको किट मिली हुई है उसमें यहाँ पर ये किट नंबर लिखा हुआ है, तो आपने ये किट नंबर जो है यहाँ पर एंटर करना है। किट नंबर यहाँ पर एंटर कर लीजिए जो भी आपके उसमें है। तो जैसे ही आप अपना यूजर नेम डाल देते हैं और किट नंबर डाल देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप पढ़नी है तो आप इसको राइट क्लिक करके इसको नेक्स्ट टैब में खोल के आप इसको पढ़ सकते हैं। राइट क्लिक जो है इसमें काम नहीं करता, आप डायरेक्टली इसमें क्लिक करेंगे तो आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज में पहुंच जाएंगे और वहां पर से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आई एक्सेप्ट में मैं क्लिक करता हूं और उसके बाद यहां पर से सबमिट में क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर देखिए यूजर नेम जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, हमने यहां पर इसकी जो है अवेलेबिलिटी चेक नहीं करी। अगर आप करना चाहें तो यहां पर आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर से अब हम क्या करेंगे, दूसरा यूजर नेम जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमने दोबारा से जो यूजर नेम है वो दोबारा डाल दिया। अब हम इसकी अवेलेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर से मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम इज अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट में क्लिक करा और सबमिट में क्लिक कर दिया। तो जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपसे पूछ रहा है लॉग इन पासवर्ड। और ध्यान रहे ये जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे इसको पहले लिख लीजिए, क्योंकि कुछ समय लगता है पासवर्ड को याद करने के लिए। तो आप इसको लिख लीजिए और इसके आगे से ये भी लिख लीजिए कि ये आपका लॉग इन पासवर्ड है। और क्योंकि इसमें दो पासवर्ड क्रिएट करने होंगे, एक लॉगिन और एक प्रोफाइल पासवर्ड, जिसे कुछ लोग ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी कहते हैं, जो आपके ट्रांजैक्शन करने के काम आता है। ठीक है, तो यहां पर से आप जो भी पासवर्ड पहले क्रिएट करेंगे उसको यहां पर अपने किसी जगह पर लिख लीजिए और उसके आगे लिख लीजिए कि आपका ये लॉगिन पासवर्ड है। तो मैं यहां पर लॉगिन पासवर्ड डाल देता हूं। तो जो आपने यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसमें आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, जैसे स्टार एस्ट्रिक कॉमा, ये इस टाइप से कोई स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आपका जो है लॉगिन पासवर्ड होना चाहिए। और इसका इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो है 8 करेक्टर और जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 20 करेक्टर। और ध्यान रहे ये जो पासवर्ड है ये केस सेंसिटिव है। आप यहां पर से अपना लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला है वही यहां पर कंफर्म करने के लिए नीचे भी डाल दीजिए। ठीक है, जैसे हमने दोनों पासवर्ड डाल दिए हैं उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर कंफर्म में क्लिक करना है। तो यहां पर देखिए जैसे ही आपका पासवर्ड जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके बाद यहां पर आपने क्या करना है, प्रोफाइल पासवर्ड जो है अपना क्रिएट करना है। प्रोफाइल पासवर्ड जो होता है आपके ट्रांजैक्शन या फिर कोई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसको दूसरा कोई पासवर्ड बनाइए और इसको लिख लीजिए। क्योंकि अगर एक बार अगर आप भूल गए हैं और उसके बाद अगर आप उसके सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाता है, अगर आपको वो भी नहीं पता है तो फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये प्रोफाइल पासवर्ड मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो आप भी अपना पासवर्ड क्रिएट करके कहीं पर लिख लीजिए और जैसे ही आपको याद हो जाए फिर जहाँ पर आपने लिखा है उसको फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि कुछ टाइम लगता है पासवर्ड को याद करने में। आप चाहें तो आप इसमें मल्टी लैंग्वेज पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और पासवर्ड की लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक कीबोर्ड अपीयर हो जाएगा और उसमें क्या होगा, जो यहाँ पर ये इमेज है
दो इमेज आपने ये सेलेक्ट करनी होगी, बाकी यहाँ पर से करेक्टर और नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम मल्टी लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन पासवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको दोबारा से डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होता है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको इस क्वेश्चन के थ्रू रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए, हिंट आंसर में यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको इस फॉर्मेट में आपने यहाँ पर से डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसका कैलेंडर का आइकन बना हुआ है आप यहाँ पर से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी वैल्यू दिखा रहा है। आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लेस ऑफ बर्थ में आपने यहाँ पर जो जहां भी आपका बर्थ प्लेस है यहाँ पर उसमें वैल्यू डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंट्री है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं यहाँ पर से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। और यहां पर देखिए आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। तो जैसे ही यहां पर आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स डाल देते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहां पर देखिए आपका प्रोफाइल पासवर्ड जो है वो क्रिएटेड हो गया है, आपने सक्सेसफुली इसको क्रिएट कर लिया है और यहां पर डेट और टाइम आ रहा है। उसके बाद यहां पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है लॉग आउट का, अब आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसमें लॉग इन करेंगे तो जो भी हमने प्रोफाइल पास वो आपने यूजर नेम बनाया था, यूजर नेम और अपना लॉग इन पासवर्ड के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। और अगर हमने कोई बेनिफिशियरी ऐड करना है या ट्रांजेक्शन करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रोफाइल पासवर्ड का यूज करेंगे। और ये कैसे करते हैं इसको मैं आने वाले वीडियोज में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि अपना ये प्रोफाइल पासवर्ड कैसे यूज करते हैं और इसको बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हैं और SBI से SBI में कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं या SBI से अदर बैंक में कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये सारे वीडियो हम आने वाले दिनों में इसको कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।